नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। मुंबई महानगर पालिका के एम ईस्ट वार्ड में करीब 40 से 45 हज़ार गरीबों को, जरूरतमंदों को भोजन की व्यवस्था महानगर पालिका द्वारा की गई है। महानगर पालिका की जो इस तरीके से व्यवस्था की गई है, उसकी किस तरीके से स्थानीय अधिकारी लोग और कर्मचारी कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, और गरीबों का भोजन उनके पास जाने की बजाय वो कचरे की गाड़ियां में किस तरीके से डाल रहे हैं, इसका वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे पीछे जो जो सामने देख रहे हो आप, ये एम ईस्ट वार्ड गवंडी का है। इस संदर्भ में हमने सहायक आयुक्त सुधांशु द्विवेदी से जब बात की, तो उन्होंने कहा कि 2-4% खाना खराब हो सकता है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कोरोना से लड़ रही जंग लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में वो जांच करेंगे, संबंधित अधिकारियों को इसकी इसके बारे में पूछेंगे। जबकि एम ईस्ट वार्ड में कुल टोटल 15 नगर सेवक है, जिसमें खान, सायरा, शफात, सक्रेम, समीक्षा, दीपक, सिद्दीकी, रुखसाना, नाजिम, शेख आयशा रफीक, खान आयशा बानो, एम मोहम्मद, कुरैशी अब्दुल रज्जाक, शेख नादिया मोहसिन, लोखरे विठ्ठल गोविंद, शेवाड़े वैशिल नवीन, वैशाली नवीन, तारी ऋतुजा हदयनाथ, पंचाड़ अनीता दिनेश और शेख शहनवाज शहबाज, सरफराज हुसैन, कात्य समृद्धि गणेश और नाइक अंजलि संजय शिंदे निधि प्रमोद। टोटल 15 नगर सेवक होने के बावजूद भी खाना समय पर वहां के गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, और महानगर पालिका जिस तरीके से जितनी जीतोड़ कोशिश करके आम जनता को खाना देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पा रहा है, और जो नहीं पहुंच पाया है वो इस तरीके से खाना खराब हो गया के बहाने फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से खाने का सत्यानाश किया जा रहा है। गरीबों को पहुंचने की बजाय ये डंपिंग ग्राउंड में डंप होने वाला खाना है। देख सकते हैं बॉक्स के बॉक्स पूरी तरीके से ये फेंके जा रहे हैं। आप देख रहे थे मेरे साथ सिटी न्यूज की खास रिपोर्ट।